ये कैसी मोहब्बत है जिसमें बस शर्त ही शर्त है। शर्त होगा जनता के साथ। सुरेन जी, मानव जायसवाल जी सवाल है, मानव जायसवाल, जनता के साथ गठबंधन बोले, ये कैसा गठबंधन, ये कैसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ शर्त ही शर्त है एक दूसरे के लिए। देखिए, इसको दो परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए प्राची जी। पहला है राज्य सरकार, जो राज्य में हमारी स्पर्धा होती है, जब हम कंपटीशन करते हैं, जब क्रिकेट की बात अगर आप कर ले तो क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में बंगाल भी खेलती है, उड़ीसा भी खेलती है, गुजरात भी खेलती है, महाराष्ट्र भी खेलती है, और उसमें स्पर्धा होती है, अच्छे लोग चुन के आते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब केंद्र सरकार की बात है तो देश की बात है ना, देश में तो हर प्रांत से लोग को पहुंचना पड़ेगा, तब ना देश एक समृद्ध देश बनेगा। अब यहां पे एक सरकार है जो गठबंधन बन के सरकार में आती है, फिर बोलती नहीं गठबंधन से नहीं, हम खूब दाए हैं, मेरा 56 इंच का सीना है, मैंने ही जिताया है। क्यों, एनडीए कहां गई, दूरबीन से खोज रहे हैं, अरे मुझे शिकायत है, कहां पहुंच गए सब कोई, अरे मेरे पास आइए। अब के शर्मा जी सोच रहे होंगे कौन सी बात को मैं चुनना कर रहा हूं, अरे बंगाल का इलेक्शन हो रहा था और दिल्ली चल रहा था, लोग सांस लेते लेते मर रहे थे, गंगा जमुना में तांडव हो रहा था, शमशान कब्रिस्तान रो रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप खोज रहे थे। अरे मैं दो परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझ लूं मानव जायसवाल जी, दरअसल आप लोग ही कंफ्यूज कर देते हैं। एक सेकंड, कर्नाटक में, एक सेकंड रुक जाइए, कोई एक राज्य में बीजेपी हार जाती है तो 2024 में बीजेपी को हराने की बात आप करने लगते हैं, किसी एक राज्य में अगर दो विपक्षी दल, एक सेकंड रुक जाइए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, अरे मानव जी पहले सवाल तो सुनिए ना, ये किस तरीके से आप लोग चर्चा करते हैं, सवाल सुनेंगे नहीं और फिर उसके बाद जवाब देने लग जाएंगे, पहले सवाल सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए, पहले सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि ये तो एक राज्य का मसला है, अरे ये राज्य भी तो देश में ही आता है ना, अगर राज्य में आप दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे और केंद्र में हाथ मिला लेंगे तो जनता यकीन कर पाएगी। देखिए, जनता को भरोसा है अपने नेताओं पे, जनता को भरोसा है हर उस पार्टी पे जो विपक्ष में है, जनता को भरोसा है, तभी जनता 70% वोट उनको दे रही है, जनता इनको नहीं दे रही है। अब सुन लीजिए, दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात बोली, भाजपा कौन कौन से राज्य में है खुद के बल पे, सब में गठबंधन है ना, कहीं तो चोरी हुई सरकार है, ये मध्य प्रदेश चुराया हुआ, कर्नाटक में भी चुराया था, चोरी होकर घुर के चले गए, महाराष्ट्र में भी चोरी वाली सरकार है। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, आप बखूबी जानते हैं कि कैसे मुद्दा दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। विपक्षी एकता पर आइए, पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर के शर्मा जी जवाब देंगे। आपको कांग्रेस लेफ्ट के साथ मंजूर है, कबूल है? देखिए प्राची जी, हम तो आपको स्ट्रेट बोलते हैं, हमारी नेत्री ने भी बोला है, कांग्रेस के साथ 100% हम कहीं ना कहीं अगर रास्ता बनेगा तो जहां हम मजबूत है, कांग्रेस हमको सपोर्ट करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम कभी भी वामपंथियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में, उन्होंने पूरे बंगाल को, सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से, ये शर्त आप मानेंगे कि नहीं फिर के शर्मा जी के पास, सर 5 सेकंड में बताइएगा हाँ या ना, ये शर्त मानेंगे या नहीं, लेफ्ट को छोड़ेंगे दीदी का हाथ पकड़ने के लिए? देखिए, अभी आप 23 तारीख आने दीजिए, सभी लोगों की शर्तें एक जगह पे समाहित होंगी, एक दूसरे से चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर देश के आईन को यानी संविधान को बचाने के लिए जो जो भी चीजें संभव होंगी, क्योंकि अहंकार वर्सेस अहंकार चुनाव। चलिए के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार आपको हराने के लिए तैयारी पूरी है, राज्य में बेशक कितने मतभेद हैं, हमारे लेवल पर सब एक हो जाएंगे और आपकी हार निश्चित है। प्राची जी, बस इतना ही कहूंगा, चार लोग मेरे विपक्ष में बोल रहे हैं, बहुत सारे इशू है, मुझे बोलने का समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य है, कम से कम कांग्रेस के राजनीतिक दिवालियेपन पर आपने बड़ा स्पेसिफिक सा प्रश्न पूछा कि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ तृणमूल कांग्रेस के लोग गोली मार रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को गोली मारी जा रही है, हमारे लोग की हत्या हो रही है, और ये हत्यारी तृणमूल कांग्रेस है। और अभी ये इनकी बात सुन के मुझे आश्चर्य हुआ, इनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत बैठ के कह रहे हैं कि साहब ये तो गांव की लड़ाई है, इसमें क्या है, गांव की बातों को हम वहां तोड़ लेंगे, मतलब मेरा कार्यकर्ता मर जाए, कुछ भी हो जाए, इसीलिए डूब गई कांग्रेस इस देश के अंदर, और जो है आज इतने राज्यों से बाहर चली गई इसी सोच पर। आज भी दूसरा मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी ये कह रही थी एक उनकी प्रवक्ता हैं आप पार्टी की, कि पूरा देश त्रस्त है। साहब त्रस्त कौन है, त्रस्त है भ्रष्टाचारी,
घबराहट है आप लोग के अंदर, इसलिए क्योंकि आपके दो दो मंत्री जेल पे हैं इस समय, वो भी शराब घोटाले पर, और आने वाले समय पर और जाने वाले भी हैं, तो इसलिए आपको ये त्रस्त यदि है तो ये भ्रष्टाचारी ये सारे बैठे हैं वो त्रस्त हैं। आप मुझे प्राची जी, अब मैं आपको इसके आगे बता दूं, देखिए इनका गठबंधन का अभी अभी आपने एक उदाहरण सुनाया, एक उदाहरण मात्र मैं अभी देना चाहता हूं, भाई उनको थोड़ा कर दीजिए, मैंने नहीं बोला था उनको, इनका बयान अब उनको चुप करा दीजिए प्राची जी, नहीं 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 ठीक है, अरे भाई सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है, सिसोदिया जेल में है ना, तो ध्यान रखिए, अभी अभी इनके गठबंधन का बयान सुनिए, अभी क्या बोला इनके एक प्रवक्ता ने कि पैसे ले लो जूते ले लो, तो ये तो एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को पैसे लेने देने की बात कर रहे हैं, ये विपक्षी गठबंधन है, दो दल आपस में ये जो गठबंधन करने वाले वो कह रहे हैं किसी को जूता भेज रहा है, कोई किसी को पैसा भेज रहा है, तो ऐसे हालत में नीतीश कुमार बहुत बखूबी समझ रहे हैं कि ये गठबंधन होने वाला है नहीं, ये तो एक दूसरे का बाल लोचने में, अभी आपने दो चीज पूछा इनसे, मानव जायसवाल से और इनसे, दोनों की बातें अलग अलग हो गई, तो नीतीश कुमार ढकना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि मेरी पोल ना खुल जाए, क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि 2023 और 24 का यदि कोई सबसे बड़ा मजाक होगा तो विपक्षी दल की एकता, यदि कोई कहेगा तो ये सबसे बड़ा मजाक होगा इसमें, और उसका यदि कोई सबसे बड़ा हास्य कलाकार होंगे तो वो नीतीश कुमार। विपक्षी एकता को क्यों देखते हैं, बार बार एनडीए का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर आपके जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी विरोधी दल के नेता बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं एनडीए का क्या हुआ, आपके आपके भी तो जो दल थे, घटक दल थे, आपका हाथ छोड़कर चले गए। नहीं बिल्कुल प्राची जी, हम तो साथ लड़े थे, हम 303 हम खुद भाजपा जीत के आई, सब मिलके हम 350 आए, हमने इसके बावजूद अपने गठबंधन दलों को उसमें मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया, ठीक है राजनीति है लोकतंत्र में, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, अपने अपने विषय होते हैं, वो यदि जाना चाहते हैं तो चले जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, और आज भी लोग उनसे हमसे जुड़ेंगे भी, ठीक है जल्दी से मानो जैसा जी, छोटा सा करीना जी के पास, कौन सा फर्क पड़ने वाला है, मैं तो अकेला ही हमारा भाई, सारा विपक्ष तो मोदी के विरोध इकट्ठा है ना, ठीक है एनडीए के विरुद्ध तो नहीं है, ठीक है मानव जायसवाल जी, सबके सब तो मोदी जी को हराना चाहते हैं ना, मानव जायसवाल जी छोड़ा नहीं है, तो आप मानेंगे ना कि आप मोदी के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं, एनडीए के विरोध में थोड़ी ना, जी 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 आप मोदी के विरोध में एकजुट हो रहे हैं, एनडीए के विरोध में थोड़ी ना, जो के शर्मा जी कह रहे हैं, जल्दी से भेजिएगा बाकी तो मेहमान इंतजार, नहीं नहीं मोदी जी इतने बड़े नहीं है कि उनके विरोध में सबको एक होना पड़े, ठीक है ये एनडीए की क्या कर रहे हो, तब क्या कर रहे हो आप, बने हैं प्रधानमंत्री एनडीए ने बनाया, तब क्या कर रहे हो, इतने बड़े नहीं है तो, आपके एनडीए ने नहीं, अरे रात दिन पानी पी पी के गाली बकते हो उनको, रात दिन पी पी के गाली बकते हो मोदी जी को, उसके सिवाय अब क्या बचा है आपके पास, और किसके विरुद्ध खड़े हो, हम क्यों गाली देंगे, रिबटल ले, अरे हम क्यों गाली देंगे, यही यही तो करते हो, और क्या कर रहे थे अभी तक बैठ के, हम क्यों गाली, यही तो कर रहे हो बैठ के, कहां गाली देंगे उनको, रीना गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।